किसी भी इलेक्शन के अंदर, और बीजेपी का आरएसएस का बहुत बड़ा खेल होता है इसके अंदर, तो क्या होता है आरएसएस का राजनीति के अंदर खेल, उसके बारे में बताएं पीपल सर। नहीं, राजनीति का खेल तो जो भी है, जो भारत की राजनीति है उसको आजादी से पहले अगर किसी ने समझा था जी, तो हर्बर्ट रिजले ने समझा था। हर्बर्ट रिजले की एक किताब है द पीपल ऑफ इंडिया जी, उस किताब के आधार पर अंग्रेजों ने इतने साल तक शासन किया जी, और उन्होंने मतलब यहां पर राज करते थे वो जानते थे जी। उसके बाद में इस राजनीति को अगर कोई समझा भारत की राजनीति को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समझा जी। उनकी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जी, उन्होंने भी मतलब इसको भारत के जो जाति का इतिहास है उसका उन्होंने विवरण दिया, उसमें लिखा है, उसमें संघर्ष लिखा है, राजनीतिक संघर्ष जो भारत का रहा है जी। और उन्होंने हर्बर्ट रिजले ने अपनी उसमें जातियों का उनका सबका लिखा है। और तीसरा आदमी अगर इस देश के अंदर कोई पैदा हुआ जिसने इस देश की राजनीति को मोड़ दिया, उसका नाम जो है माननीय कांशीराम जी। वो मतलब हर्बर्ट रिजले और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद में तीसरे आदमी हैं जिन्होंने भारत की राजनीति को समझा जी। और उन्होंने जो है कास्ट पॉलिटिक्स को मतलब उसके ऊपर से जो कैंसर था कास्ट पॉलिटिक्स का, उसके ऊपर गए, उसको हटा दिया उसके आवरण के लिए जी। चूंकि वो तो दर्द की दवा देते थे और उस पर दर्द का मल्लम लगाते थे दूसरी पार्टियां। कांशीराम साहब ने कहा कि इसको मैं ऑपरेट कर देता हूँ, उन्होंने उसको ऑपरेट कर दिया, तो जो फोड़ा था जो जाति की राजनीति का वो ओपन हो गया जी। कि कांग्रेस जो करती है वो जाति की राजनीति करती है और आरएसएस भी जाति की राजनीति करता है। आपको भी बता दें कि आरएसएस जो बना हुआ है उसमें आरएसएस के जो सत्संग चालक होते हैं वो चित्पावनी ब्राह्मण होते हैं। एकमात्र रज्जू भैया एक ठाकुर समाज के बने थे, उसके अलावा आज तक कोई जो है ब्राह्मण के अलावा उनका कोई सत्संग चालक नहीं होता है। और जो लोग तो कहते हैं कि इसके ऊपर ये परिवार की किसी की पार्टी नहीं, एक आदमी की पार्टी नहीं है, लेकिन एक जाति की पार्टी है भाजपा। भाजपा उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है और जो उनका पेरेंट है, उनका जो संरक्षक है, उनका जो माँ बाप है वो आरएसएस है, उनकी विचारधारा चलती है। और उस आरएसएस का जो बाप है वो ब्राह्मण है और वो भी चित्पावनी ब्राह्मण। तो चित्पावनी ब्राह्मण मतलब वहां से नागपुर से बैठ करके इसको पूरे देश के सत्ता को चलाते हैं। और वही जब कमजोर पड़ती है भाजपा, तो कांग्रेस का भी वही बाप है, चूंकि जवाहरलाल नेहरू से ही निकले हुए थे उनके जो सरसंचालक थे पहले जी। तो वो जो है कांग्रेस और भाजपा कोई अलग पार्टी नहीं है, दोनों एक ही पार्टी है। अच्छा। तो जब एक मतलब डाउन होती है तो दूसरे बच्चे को उठा लेते हैं, दूसरा बच्चा डाउन होता है दूसरे बच्चे को निकाल देते हैं। अगर तीसरा कोई है सूत्र समाज की कोई पार्टी जी, तो बहुजन समाज पार्टी है और समाजवादी जनता दल ये जो टूटे फूटे पड़े हैं, चूंकि ये जातियों में बटा हुआ समाज है। और जो ये सवर्ण जो है वो जातियों में बटे हुए नहीं है, वर्ण में बंधे हुए समाज है, वो बंधा हुआ समाज है, और सूत्र समाज जो जातियों में बटा हुआ समाज है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ की जो इंडिया की राजनीति है वो कास्ट पॉलिटिक्स है और कास्ट ऑपरेशन से चलती है, और कास्ट ऑपरेशन देश के अंदर ब्राह्मण के अलावा कोई नहीं जानता है, क्योंकि सारे मंदिर उनके पास हैं, सारे शिक्षा के संस्थान उनके पास हैं, राजनीतिक पार्टियां सारी उनके पास है। हर पार्टी का ब्राह्मण जो अध्यक्ष होता है, हर मतलब उसको चलाने वाले, और आपके जो संस्थान जितने बने हुए हैं जो जुडिशरी से लेकर के और संवैधानिक संस्थाएं जो बैठी हुई हैं उसमें भी सब यही है। तो इसको चलाने वाले जो संचालक हैं भारत की राजनीति को, वो सिर्फ जो है एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, वो सवर्ण भी नहीं है, सवर्णों के भी गुरु जो है ब्राह्मण है, और पूरे देश के और हमारे जो शूद्र भाई जो हैं, इवन जो बहुजन समाज भी, वो भी उनके झांसे में आ जाता है और वो भी कहता है कि भाई इनके बिना कोई चल नहीं सकता। तो मीडिया भी उन्हीं के हाथ में है पूरे देश का।